आपको पता है, एक बार आपकी इतनी सारी डिमांड सुन सुन के भगवान भी परेशान हो गए। उन्होंने सोचा भाई मैं कहाँ जाऊं, कैसे बचूं, ये जितने एसपीआईटी वाले रोज आके शिव जी के मंदिर में खड़े हो जाते हैं, ये दे दो वो दे दो, ऐसा कर दो वैसा कर दो, मैं तो जा रहा हूं यहां से। अब भगवान वो मंदिर छोड़ के निकल गए, लेकिन उनको ये नहीं समझ में आ रहा था जाऊं तो जाऊं कहां, जिस भी मंदिर में जाए वहीं भीड़ लगी, कोई ना कोई खड़ा ही है, साहब अच्छा आ गए आप, साहब मेरा इतना कर दो। परेशान होके भगवान पूरे संसार में भटकते फिर रहे थे कि मैं कहां जाऊं, जो छुप जाऊं जहां पर कोई मनुष्य ना आ सके। आप सोचिए, मनुष्य भी इतना ज्यादा तरक्की कर गया है कि मंगल तक पहुंच गया, वो वहां भी भगवान को छोड़ नहीं रहा, चांद में पहुंच गया, मंगल में पहुंच गया, और आगे भी प्लानिंग चल रही है, अगले 10-20 साल में कोई भी ग्रह नहीं बचेगा, तो भगवान परेशान हो, छुपे तो कहां छुपे। तो भगवानों के भी एक गुरु हैं, आपको शायद पता नहीं है, मालूम है कि नहीं, भगवानों के गुरु का नाम है बृहस्पताचार्य, राक्षसों के गुरु का नाम है शुक्राचार्य। तो फाइनली भगवान को लगा कि गुरु जी बताएंगे अब तो जो कुछ इस प्रॉब्लम का सलूशन, तो बृहस्पताचार्य के पास भगवान पहुंचे कि सर कोई ऐसी जगह छुपने की बताइए जहां ये मनुष्य पहुंच नहीं पाए, ये अपनी डिमांड्स लेके जो पहुंच रहा है, आई एम वेरी फ्रस्ट्रेटेड। तो गुरुजी के पास इतनी सी बात, बोले इतनी सी बात, मैं पूरे संसार में भटक चुका, सारे ग्रहों में छुप, वहां भी पहुंच रहे हैं ये रॉकेट वॉकेट लेके, कहां जाऊं मैं। तो पता है गुरुजी ने क्या कहा कि अरे भाई इतना सब भटकने की जगह तुम जाके इंसान के हृदय में छुप जाओ, वो अपना हृदय कभी नहीं देखेगा, दुनिया भर में भटकता घूमेगा। और उस दिन से भगवान मनुष्य के हृदय में बस गए। तो मेरा पांचवा गुरु मंत्र जो आपके लिए है, टटोलो अपने हृदय को, स्वयं को पहचानो, स्वयं की ताकत को पहचानो, रिकॉग्नाइज योर ओन पोटेंशियल एंड स्टैंड अप, द गॉड इज विद इन यू, देयर इज नो अदर गॉड एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड, इट्स देयर इन योर हार्ट, रिकॉग्नाइज इट। द डे यू रिकॉग्नाइज योर ओन पोटेंशियल एंड फील दैट द गॉड इज विद इन मी, द फोर्स, द एक्सटर्नल फोर्स which I was expecting is actually within me. The day I focus myself, पूरी एकाग्र शक्ति से मैं जुट जाऊंगा अपने काम में, तो वेदों का एक सिद्धांत है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। Achieve Godhood is my declaration from this platform today. Yes, you can. You can achieve Godhood. Because if you see surrounding yourself, अगर आप राम मंदिर में जा रहे हैं और भगवान राम की पूजा कर रहे हैं, तो एक दफे तो जरा सोचिए कि पूजा क्यों कर रहे हैं। वो भगवान राम जिसे आप भगवान मान रहे हैं, वो भी तो जन्म लेकर आए थे और उनकी भी मृत्यु हुई, तो वो गॉडहुड कैसे अचीव कर लिया उन्होंने। गॉडहुड अचीव किया सिर्फ अपने कर्मों से। और तकलीफों की बात अगर देखिए, तो राम से ज्यादा तकलीफ किसने झेली, बॉर्न एज अ प्रिंस बट कुड नॉट एंजॉय एनी प्रिंसली प्लेजर इन हिज लाइफ। But see how much calm, poise, dignity he maintained. That is what became suddenly in the eyes of commoners that this is extraordinary.
और जैसे ही कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी होता है वी स्टार्ट लुकिंग अप टुवर्ड्स दैट पर्सन. ये ऑर्डिनरी नहीं है, ऑर्डिनरीली ऐसा पॉसिबल नहीं है. सोच के देखिए, बॉर्न एज अ प्रिंस और उन्हें सिर्फ पता चला कि मेरी सौतेली मां ने मेरे फादर से डिमांड की है कि उनके उनके बेटे को राज्य मिले और मुझे वनवास. करंट सिनेरियो में इसी सिचुएशन को जरा लेकर आइए. जिस बेटे को वनवास दिया गया उस बेटे का रिएक्शन क्या होगा? सौतेली मां की इतनी हिम्मत मेरी प्रॉपर्टी पर कब्जा करना चाहती है. वो कहां जाएगा पता है? चतुर्वेदी जी के ऑफिस में. सर, ये सौतेली मां का दिमाग खराब हो गया, सूट फाइल कर दीजिए इसके ऊपर. हाउ कैन शी स्नैच माई प्रॉपर्टी? लेकिन आप पूजा उसकी नहीं कर रहे हैं जो सूट फाइल करके शायद प्रॉपर्टी जीत भी चुका. आप पूजा उसकी कर रहे हैं. पूरी रामायण पढ़ लीजिए. राम को न दशरथ ने न केकई ने किसी ने नहीं कहा कि जाओ बेटा वनवास. उनने सिर्फ सुना कि सौतेली मां ने पिताजी से ऐसी डिमांड की है. वो खुद ही पहुंच गए. अरे इतना परेशान होने के, मैं चला जाता हूं. ही लेफ्ट. तो आप पूजा कर रहे हैं बिकॉज आपको लग रहा है दिस इज एक्स्ट्रॉर्डिनरी, दिस इज नॉट ऑर्डिनरी. सडनली यू फील दैट दिस इज समथिंग वेरी वेरी डिफरेंट, यूनिक. तो आप उन्हें भगवान मान रहे हैं क्योंकि आपको खुद को लग रहा है एज ए इंसान तो ये पॉसिबल नहीं है, दिस इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल. और कमाल की बात देखिए, वनवास की डिमांड भी तो सिर्फ रामचंद्र जी के लिए थी, लक्ष्मण और सीता के लिए तो नहीं थी. डिवोशन देखिए, आज का भाई हो तो आप सिनेमा जाने के लिए, हाँ चल तो चलो ना भैया, पिकनिक जाने के लिए हाँ चलो ना, और अगर कुछ स्ट्रगलिंग तुम हो ना भैया मुझे नींद आ रही है, वो भाई बोल रहा है मैं चलता हूं ना. सीता जी, कोई उनसे किसी ने वनवास की बात नहीं की थी, मैं भी चलती हूं. यह बात अलग है कि उनको थोड़ा मिसकंसेप्शन हो गया कि हम वनवास में आए कि जंगल सफारी में, क्योंकि वहां जाके उन्होंने डिमांड कर दिया हिरण ले आओ ये वाला, जैसे वो हरा धनिया. अब कौन समझाए कि भाई ऐसा हिरण नहीं होता. 17-18 साल से मैं बता रहा हूं कि भाई ऐसा हरा धनिया नहीं होता जिसमें एक भी पीला पत्ता ना हो, लेकिन नहीं. ठीक है, एंड रेस्ट इज द रामायण. लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं, रामायण मेरे पर्सपेक्टिव से जरा एक बार पढ़ के देखिए. सारी रामायण राम की वजह से नहीं हुई, लक्ष्मण और सीता की वजह से हुई. ना लक्ष्मण और सीता वनवास जाते, ना सीता का अपहरण होता. ना सीता का अपहरण होता तो राम रावण युद्ध नहीं होता, तो रामायण होती कहां? और लक्ष्मण एक अलग पहलू से दिखाता हूं आपको रामायण में लक्ष्मण का रोल. सीता का अपहरण क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ लक्ष्मण. क्योंकि शूर्पणखा ने आकर लक्ष्मण से कहा कि क्या आप मुझसे विवाह करेंगे, और लक्ष्मण ने उनकी नाक कान काट ली. अब आप सोच के देखिए, एक तो कभी पॉसिबल होता नहीं आजकल के संसार में, मुझे तो मेरे लाइफ में तो कभी हुआ ही नहीं कि किसी लड़की ने आके मुझे प्रपोज किया हो. और गलती से कर भी दे तो मैं खुश होऊंगा कि नक्कल काट लूंगा.
मैं तो मतलब कई दिन मुझे नींद नहीं आएगी, अरे वाह. अब नाक कान काट ली तो उसने जाके भैया से कंप्लेंट की, भैया देखो मेरे नाक कान काट ली. भैया मैं क्या करने गए थे तुम? मैं तो आई लव यू बोलने गई थी. अच्छा, लव के लिए नाक कान काट? ठहरो मैं बताता हूं. तो सीता उठा ली. अब ये रामायण का एक अलग पर्सपेक्टिव में आपके सामने रख रहा हूं, दो इन अ वेरी मॉकिंग जॉकिंग वे, बट क्रक्स इज द सेम. राम की वजह से तो नहीं हुआ ना इस पूरे पिक्चर में, कहीं राम है? राम ने सिर्फ झेला. सीता की उस डिमांड को फुलफिल करने को झेला, लक्ष्मण की इन गलतियों को झेला, उसका परिणाम उन्होंने झेला. लेकिन पूरी रामायण में जो कुछ उन्होंने झेला, क्या किसी को ब्लेम किया? लक्ष्मण तेरी वजह से हुआ है सब. किसने बोला था वनवास आने के लिए? ऐसा कुछ ब्लेम दिखता है क्या रामायण में? कहीं नहीं. दैट इज वाई ही इज यूनिक. दैट इज वाई यू प्लेस्ड हिम एज अ गॉड. और आप उनके ऊपर फूल चढ़ा रहे हैं, मालाएं चढ़ा रहे हैं, अगरबत्ती चढ़ा, लेकिन आप ये नहीं समझ रहे कि ये जो पर्पस है ना उस पूजा का, पर्पस ये है कि उन गुणों को आप आत्मसात करें, आप सीखें. द ट्रबल्स आर पार्ट ऑफ लाइफ. दैट डज नॉट मीन वी स्टार्ट ब्लेमिंग एवरीबडी एल्स. अरे ये झेलना पड़ता है, ठीक है झेलेंगे. एंड द मोमेंट यू स्टार्ट डूइंग इट यू विल बी एक्स्ट्रॉर्डिनरी. एंड दैट इज वेयर आई सेड यू कैन अचीव गॉडहुड. आई गेव एग्जाम्पल ऑफ कृष्ण, रण छोड़ दिया तो भी भगवान है. अरे भाई आप सोचिए ना, पत्नी का अपहरण हो गया तो भी भगवान है. वरना नॉर्मल कंसेप्ट में भगवान को भी कोई नुकसान पहुंचा सकता है क्या? लेकिन हमारे ये ग्रंथ हमको सिखाते हैं प्रैक्टिकल ह्यूमन लाइफ की डिफिकल्टीज. इवन अगर हम ये मान लें थोड़ी देर के लिए कि राम या कृष्ण अवतार थे भगवान के, तो भी उस अवतार ने आकर तकलीफें झेली ना, तो हम क्या चीज है? भगवान स्वयं अवतार लेकर भी आते हैं तो उनको भी वही वर्ल्ड की प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज झेलनी पड़ती हैं. और इंपॉर्टेंट ये है कि सारे अनफेयर वर्ल्ड में, जहां हर मोमेंट कुछ ना कुछ बायस आपको झेलना पड़ रहा है, कुछ ना कुछ अनफेयरनेस झेलनी पड़ रही है, इस पूरे अनफेयर वर्ल्ड में भी इफ यू रिमेन्ड फेयर, इफ यू रिमेन जस्ट, देन यू आर यूनिक. एक बार दो मित्र खाना खाने बैठे, तभी वहां से एक और ट्रैवलर आ गया. इन्होंने टिफिन खोला ही था कि वो भी आ गया. तो इन्होंने सोचा कि भाई आओ तुम भी भोजन शेयर कर लो. काउंट किया तो एक आदमी के टिफिन में 3 रोटी थी, दूसरे आदमी के टिफिन में 5 रोटी थी. 8 रोटी 3 लोगों में डिवाइड कैसे हो? तो बड़ा असमंजस हो गया. थोड़ी देर में सोल्यूशन यह निकला कि एक काम करो, हर रोटी के 3 टुकड़े करो. 8 रोटी के 3 टुकड़े किए तो कितने हो गए? 24. इज 24 डिविजिबल बाय 3? यस. एक सोल्यूशन निकाला फेयरनेस का कि चलो भाई 24 टुकड़े हो गए, अब 8-8 टुकड़े तीनों लोग बराबर में बांट के खा लेंगे. खा लिए, सो गए.